चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जैसे ये चैप्टर का नाम है ना, वैसे ही हमें इस चैप्टर में हमारे एनवायरमेंट में, हमारे आसपास के एनवायरमेंट में आए हुए पॉल्यूशन के बारे में समझना है। पता है ना, एनवायरमेंट, हमारे आसपास का नेचर, वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, बराबर। लेकिन हम ह्यूमन से ही अपने फ़ायदे के लिए, अपनी लालच के लिए आज के टाइम में इस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, इस नेचर को हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। खासकर जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब जब से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनने शुरू हुई है, तो हम ह्यूमंस ने अपने लिए तो बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए बनाई है, कितनी सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आज हर एक फैसिलिटी हमारे खुद के लिए है। इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ हमने बनाई, रेलवे, टेलीफोन, व्हीकल्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक की कितनी सारी चीज़ें आज बन चुकी हैं कि हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। सही बात है, ह्यूमंस ने बहुत डेवलपमेंट किया है, लेकिन इस डेवलपमेंट के बदले में हमने नेचर को उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है जितना हमने खुद का डेवलपमेंट किया है, उससे कई ज़्यादा हमने नेचर को नुकसान भी पहुंचाया है। कि आज नेचर में अगर देखो ना, तो न जाने कितने टाइप के पॉल्यूशंस हैं एटमॉस्फेयर में। हर एक लेयर, आपको पता है कि एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स आती हैं, तो हर लेयर में आज पॉल्यूशन फैल चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से, हम ह्यूमंस की वजह से। और इनमें से जो मेन पॉल्यूशंस हैं कि जिनमें वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। और ये जो डेवलपमेंट की वजह से हमें ये पॉल्यूशन मिले हैं ना, तो उसकी सजा भी हमें ही भुगतनी पड़ रही है, बराबर कि नहीं। कि ये जो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो उससे नुकसान किसे? हाँ, दूसरे जानवरों को, दूसरे जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें भी नुकसान पहुँचता ही है, लेकिन उस नुकसान का बहुत बड़ा हिस्सा हमें भी भुगतना पड़ता है। मतलब हमारी वजह से ही ये पॉल्यूशन हो रहा है और हमें ही वो नुकसान भी भुगतना पड़ता है, ये सही बात कि नहीं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में ना ऐसे ही सब पॉल्यूशंस के बारे में समझेंगे कि जो मेन फोर पॉल्यूशंस हैं उनके बारे में, कि जिनमें सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो वो आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, वाटर वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सबको पता है ना, आप लोगों को भी ध्यान होगा। पानी के बिना वो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज़रूरी पानी है हर एक चीज़ के लिए। भले वो घर का काम हो तो भी पानी चाहिए हमें, घर के हर छोटे मोटे काम के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। भले खाना बनाना हो, कपड़े धोने हो, साफ़ सफाई करनी हो, और कुछ काम करना हो, सबके लिए पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और सिर्फ घर में ही नहीं, घर में ही नहीं, घर के बाहर भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं, तो उनमें भी प्रोडक्शन के लिए, चीज़ें तैयार करने के लिए, जो रॉ मटेरियल में से, जो फिनिश गुड्स तैयार करते हैं, तो उनके लिए भी वाटर की ज़रूरत तो पड़ती है, पानी तो चाहिए ना। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो तो उसके लिए पानी की ज़रूरत तो पड़ती है। फिर उस प्रोसेस में, जो ये मटेरियल बनाने की प्रोसेस होती है, तो इंडस्ट्रीज़ में जब ये प्रोसेस होती है ना, तो उस प्रोसेस में कितना सारा पानी केमिकल से भर जाता है, गंदा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। और वो पानी को फिर क्या करते हैं इंडस्ट्री के लोग, जब इंडस्ट्री में ऐसा पानी तैयार हो गया, कोई प्रोसेस, सपोज़ अगर कोई कपड़ा ही अगर तैयार कर रहे हो, कॉटन शर्ट तैयार कर रहे हैं, तो फैक्ट्री में जब ये शर्ट तैयार होती है या जो कॉटन तैयार होता है, तब वो पूरी प्रोसेस में भी पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और वो पूरी प्रोसेस में वो पानी बहुत गंदा हो जाता है, काफ़ी हद तक वो गंदा हो जाता है। और फिर वो गंदे पानी को किया क्या जाए, तो जो इंडस्ट्रीज़ के लोग होते हैं, वही गंदा पानी फिर बिना सोचे समझे, आसपास अगर कोई नदी हो उस नदी में, अगर कोई कैनल हो तो उस कैनल में, या तो कोई खुली ज़मीन हो, खाली मैदान हो, तो उस मैदान में फेंक देते हैं। ये पूरा गंदा पानी वहाँ पर चला जाता है, ठीक है। तो जिनकी वजह से वो रिवर, वो कैनल्स, कोई छोटा सा पॉन्ड हो अगर, मतलब कोई छोटा सा तालाब आया हुआ हो, तो वो सब पॉल्यूट होते हैं, जिसे हम लोग ये वाटर पॉल्यूशन कहते हैं, बराबर ना। इंडस्ट्रीज़ में से निकलने वाला ये कचरा, तो ये इंडस्ट्रीज़ का कचरा सीधा नदी में डाल दिया जाता है, और नदी का पानी हद से ज़्यादा ख़राब हो जाता है इसकी वजह से, सही बात है ना। और सिर्फ ये इंडस्ट्रीज़ ही क्यों, आज के टाइम में अर्बनाइजेशन होता जा रहा है। अर्बनाइजेशन, ये वर्ड का मीनिंग पता है? अर्बनाइजेशन मतलब कहते हैं कि सिटीज़ का बहुत ज़्यादा डेवलप होते जाना।
पहले ज़्यादातर लोग जो है वो रूरल एरिया में, मतलब के कहते हैं कि भाई गांव के एरिया में रहते थे, लेकिन अब के टाइम में ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, शहरों में। इसे अर्बनाइजेशन कहते हैं, और अर्बनाइजेशन की वजह से जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो शहर के आसपास के इलाकों में पहले जहाँ पेड़ पौधे हुआ करते थे, खुले मैदान हुआ करते थे, कोई तालाब हुआ करता था या कुछ भी, उन सब जगह को तोड़ कर ख़राब करके उसकी जगह पर अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देते हैं, शहरों के एरिया वहाँ पर बना देते हैं, बराबर है ना। और इसी वजह से जितने ज़्यादा लोग सिटी में रहते हैं ना, तो जस्ट इमेजिन करो कि हर एक सिटी में जितने भी लोग रहते हैं, हर एक घर में वहाँ पर रोज़ वेस्ट वाटर निकलता है कि नहीं। आपके घर में ही देखो, आपके घर में, मेरे घर में, तो कहीं पर भी हम घर में रोज़ साफ़ सफाई करते हैं, पीने के लिए, रसोई के लिए, हर एक के लिए, या तो फिर जो है वो सैनिटेशन के लिए, सबके लिए जो है वो वाटर यूज़ करते हैं ना, हर एक चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब गंदा पानी, जो पानी बचता है वो पानी कहाँ पर डालते हैं हम लोग, जाता कहाँ पर है, तो हमारे घर के बाहर तो वो गटर बनी हुई है, सीधा उस गटर में जाता है, और ये गटर कहाँ जाती है फिर, तो पूरे शहर में जितना भी पानी जमा होता है ना, तो ये पूरी गटर शहर के बाहर या तो कोई नदी में या कोई खुली ज़मीन में या तालाब में या उस जगह पर ये पूरा पानी फेंक दिया जाता है, बराबर। तो हर एक घर में इमेजिन तो करो कि पूरी सिटी में कितने सारे घर होंगे, लाखों घर होंगे पूरी शहर में, और हर एक घर में से जो जो गंदा पानी निकलता है वो सभी गंदा पानी आखिरकार तो नदी और तालाब में ही चला जाता है ना, तो वो भी तो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है कि नहीं, हाँ कि ना, बराबर ना। तो ये वाटर पॉल्यूशन सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की वजह से नहीं, हमारे घर की वजह से भी होता है, कि हमारे घर में से भी जो भी रोज़ वेस्ट वाटर क्रिएट होता है, जो भी ख़राब पानी यहाँ पर जमा होता है, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस नदी या तालाब में ही जाता है और उसे ख़राब करता है वो, ठीक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के टाइम में तो क्या कह सकते हैं, जो बारिश का पानी है वो भी प्योर नहीं रहता, हमारी वजह से ही, हम ह्यूमंस की वजह से ही। जनरली तो ऐसा माना जाता है कि रेन वाटर वो सबसे प्योर वाटर है, ऐसा मानता है ना, रेन वाटर सबसे प्योर वाटर है, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से जो धुएँ निकलते हैं ना कंटिन्यूसली, जो धुएँ निकलते रहते हैं, गंदे गैसेस निकलते रहते हैं, तो ये सब गैसेस वो आसमान के बादलों के साथ मिक्स होते हैं, ये सभी धुएँ वो कहाँ पे, आसमान में बादलों के साथ मिक्स होते हैं, और बादलों के साथ मिक्स होकर ये सभी धुएँ आखिरकार बारिश के पानी में मिक्स होते हैं, और फिर वही बारिश फिर ज़मीन पर गिरती है, तो वो बारिश का पानी भी प्योर नहीं रहता, बराबर ना। इसकी वजह से मतलब समझो जो रेन वाटर है ना, उसे भी हमने पॉल्यूट कर दिया है, रेन वाटर को भी हमने पॉल्यूट कर दिया है, बराबर। और इनकी वजह से जो ऐसी बारिश गिरती है ना जिसमें ऐसे पॉल्यूशन का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, तो उस रेन को एसिड रेन भी कहा जाता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जैसा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा हो, पॉल्यूटेंट्स मतलब कि भाई जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, ऐसे एलिमेंट अगर बारिश में ज़्यादा हो ना, तो वो बारिश का पानी एसिड की तरह ख़राब हो जाता है, बराबर। और ऐसी रेन को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। फिर वो पता है वो एसिड रियल एसिड कैसा होता है, जरा सा भी एक बूंद भी अगर आपकी स्किन के ऊपर गिर जाए तो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, होती है ना उस एसिड की वजह से। तो वैसे ही अगर जो एसिड रेन भी होती है ना, तो वो भी ऐसे ही, वो एसिड रेन जो भी पेड़ों के ऊपर गिरे, जो रस्तों पर गिरे, इवन इंसानों पे गिरे, तो उन्हें बहुत डैमेज पहुंचाती है। अगर कोई पेड़ के ऊपर ऐसी एसिड रेन गिर जाए तो वो पूरा का पूरा पेड़ सूख जाता है। रस्तों के ऊपर अगर वो एसिड रेन गिरती है तो रस्ते भी ख़राब हो जाते हैं उसकी वजह से। तो सोचो ये वाटर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा फैल चुका है, और वो सब किसकी वजह से, हमारी वजह से ही ना, हमने ही तो ये सब फैलाया है ना, बराबर। और इनसे देखो सिर्फ इंसानों को ही नुकसान नहीं, इनसे नुकसान दूसरे कितने सारे लोगों को होता है, या कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को होता है। ये जो ख़राब पानी, पूरे शहरों का ख़राब पानी, इंडस्ट्रीज़ का ख़राब पानी, ये पूरा ख़राब पानी सीधा कहाँ चला जाता है, फैक्ट्रियों में, बराबर ना, और नदियों में चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है। फैक्ट्रियों का ये ख़राब पानी सीधा रिवर्स में, लेक में, उनमें चला जाता है। तो रिवर्स के अंदर जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे फिशेज हुए, टॉर्टोइज हुए, क्रोकोडाइल्स हुए, या जो भी छोटे बड़े जो भी जानवर होते हैं, जो भी नदियों में रहते हैं, उन जानवरों को नुकसान नहीं होता होगा, बराबर।
ये जो नदियों में हम लोग ये पूरा कचरा फेंकते हैं ना, तो नदी में रहने वाली जो मछलियाँ होती हैं, जो फिशेज होती हैं, उन्हें बहुत नुकसान पहुँचता है। और सिर्फ नदी ही नहीं, हमने तो इसको इतना अच्छी तरह से बढ़ा दिया है कि अब तो हम पूरे के पूरे समुद्र को भी पॉल्यूट करते हैं। खुशी की बात नहीं है, लेकिन सच में ये पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि अब तो समुद्र को, मतलब जो सीज हैं, जो ओशंस हैं, उन्हें भी पॉल्यूट हो जाते हैं या उन्हें भी पॉल्यूट किया जाता है। मुंबई में एक फैक्ट्री है जिसका नाम है बॉम्बे हाई नाम की ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल की वहाँ पर फैक्ट्री है। और वो फैक्ट्री कहाँ पर आई हुई है, तो वो फैक्ट्री समुद्र के बीचों बीच आई हुई है, बिल्कुल बीचों बीच। ये बात सही है कि हाँ, उनसे फ़ायदा बहुत होता है, उसमें से समुद्र में से तेल निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है और उसे वहाँ पर प्योरीफाई किया जाता है समुद्र के बीचों बीच। लेकिन उनमें से निकलने वाला जो कचरा है ना, वो कचरा भी समुद्र में ही फेंका जाता है, तो जिससे वो पानी बहुत पॉल्यूट होता है। और इनसे उस समुद्र में रहने वाली जो मछलियाँ हैं, जो दूसरे जानवर हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उन्हें बहुत नुकसान पहुँचता है वहाँ पर। आप लोगों ने शायद वो किस्से सुने भी हो, या न्यूज़पेपर में देखे हो, या टीवी में शायद देखे हो कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि नदी किनारे या तो समुद्र किनारे पर है ना, बहुत सारी हज़ारों मछलियों की डेड बॉडीज़ अचानक से आ जाती है। रात को कुछ भी नहीं, सुबह उठकर जब वहाँ समुद्र किनारे देखते हैं ना, तो समुद्र किनारे पर हज़ारों मछलियों की डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं। ये सब कहाँ से आती है? तो ये पॉल्यूशन की वजह से अंदर हज़ारों मछलियाँ मर जाती हैं। फिर वो जो समुद्र की लहरें तो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं ना, तो उन लहरों से आगे घिसड़ा कर वो पूरी मछलियाँ आखिरकार समुद्र के किनारे आ जाती हैं, उनकी डेड बॉडीज़। तो देखो, पॉल्यूशन से उन जानवरों को भी तो कितना नुकसान पहुँचता है, और हमें भी पता है कि अगर ये वाटर पॉल्यूशन की वजह से, वो जो गंदा पानी, नदी का पानी गंदा होता है, फिर वही पानी फिर हमारे घर पर भी तो आता है। आपके घर में जो रोज़ पीने के लिए पानी आता है, या जो आप पानी यूज़ करते हो, तो वो भी इनडायरेक्टली कहाँ से आता है? नदी से ही। तो अगर वो पानी पॉल्यूट है, तो वही पानी फिर हमारे तक भी तो पहुँचता है ना, बराबर ना? और फिर अगर ऐसा ख़राब पानी अगर हम लोग पिए ना, तो उनसे हमें भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, कॉलेरा, जॉन्डिस, या फिर जो है वो क्या कहते हैं, लूज़ मोशन जैसी बीमारियाँ, वॉमिटिंग जैसी बीमारियाँ। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हमें भी तो होती हैं ऐसे ख़राब पानी पीने की वजह से। इसकी वजह से तो आपको पता है कि कहीं पर भी आज के टाइम में, कहीं पर भी कोई घूमने जाता है, या आप लोग जैसे स्कूल जाते हो तो घर वाले आपको अलग से वाटर बॉटल दे देते हैं, कोई घूमने जाता है तो अपनी पानी की बॉटल साथ में लेके जाते हैं, बराबर? क्यों? क्योंकि बाहर क्या पता कहाँ पर ख़राब पानी हो तो, और उनसे हमारी तबीयत ख़राब हो जाए तो, है कि नहीं, बराबर? और इतना ही नहीं कि यहाँ पर जो छोटे छोटे तालाब हैं, जो लेक होते हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, कैनल्स हैं, नहर है, तो ये सब चीज़ों में भी जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है ना, तो पता है वही पानी का फिर जो फार्मर्स हैं वो अपनी फार्मिंग में यूज़ करते हैं, यही पानी जो ख़राब पानी होता है, केमिकल वाला और गंदा पानी, तो वही पानी का फिर वो फार्मिंग में यूज़ करते हैं, खेतों में यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करेंगे? और दूसरा पानी तो मिलेगा नहीं। तो मतलब उसकी वजह से जो ये प्लांट्स तैयार होते हैं, जो वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, जो भी प्लांट्स तैयार होते हैं ना, उनमें भी इनडायरेक्टली वो केमिकल्स आ ही जाते हैं। वो ख़राब पानी यूज़ किया जाता है, तो वही ख़राब पानी वाले केमिकल्स भी, वो ख़राब केमिकल्स भी तो उसमें ऐड होंगे ही ना। और वही ख़राब केमिकल्स जब उसमें ऐड होते हैं, तो नुकसान क्या क्या नुकसान कि वही फिर वेजिटेबल्स, समझो वो वेजिटेबल में वो केमिकल्स ऐड हो गए, तो वही वेजिटेबल्स फिर हम लोग खाते हैं, बराबर ना? वही वेजिटेबल्स फिर हम लोग खाते हैं, और वो नुकसान फिर हमें भुगतना पड़ता है, हाँ कि ना? होता है कि नहीं ऐसे ही? तो देखो, ये वाटर पॉल्यूशन छोटी चीज़ नहीं है, इनसे इतने सारे नुकसान है, और हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? तो इसके लिए सबसे पहले तो ये चीज़ कि हर एक पर्सन में, फिर भले आप हो, मैं हूँ, कि आपके आसपास रहने वाले लोग, के कोई भी इंसान क्यों ना हो, हर एक में सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, एक तरह की जागरूकता होनी चाहिए कि नहीं, ये चीज़ गलत है और मैं इस चीज़ को रोक कर रहूँगा, बराबर? ऐसी जागरूकता, ऐसी अवेयरनेस बिल्कुल होनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ गलत है और इसे जो है वो रोकनी ही चाहिए, सही बात है ना? कि जब उन गलत चीज़ों को रोकने के लिए काम करेंगे, तो ही फिर जो है वो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। समझ आ रही है बात है?
कि सबसे पहले लोगों को जब इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी ना, तब तक कोई भी इनके बचने के लिए काम नहीं करेगा। हम लोग हमेशा यही कहते हैं, होने दो ना ख़राब पानी, हमें क्या है, हमारे घर पे तो फिल्टर लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है, हमें तो हमेशा साफ़ पानी मिलता है, बाकी जाने दो जिसको जो हो। हम लोग अक्सर यही कहते हैं और ये सही है नहीं, उसका नुकसान फिर हमें डायरेक्टली आए तो इनडायरेक्टली भुगतना ही पड़ता है ना। तो सबसे पहले हमें उनके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए कि नहीं, हम लोग वाटर पॉल्यूशन, वाटर का वेस्टेज वगैरह नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट को भी ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स बना देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें से निकलने वाला जो ख़राब पानी है ना, वो ख़राब पानी एक ही जगह पर फेंका जाए, या तो उसका एक प्रॉपर एक्सट्रैक्शन किया जाए, सही जगह पर जो है वो उसका निकाल किया जाए कि जिससे और कोई जगह पर या और किसी को नुकसान ना हो, है कि नहीं। तो हर एक जन, जब आप, मैं, गवर्नमेंट, हर कोई ये वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए काम करेंगे ना, तो ही ये पॉसिबल है, तब तक नहीं। समझ आ रही है बात है? बराबर। अब वाटर पॉल्यूशन के बाद दूसरा पॉल्यूशन आता है, वो है एयर पॉल्यूशन, हवा का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन की तरह ही एयर पॉल्यूशन भी आज पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इनका भी मेन रीज़न ये इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब नई नई इंडस्ट्रीज़ तैयार होना। जब से हर एक शहरों में, गाँव में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ तैयार हो चुकी है ना, तो जिससे क्या नुकसान होता है, एयर को क्या नुकसान होता है, तो इंडस्ट्रीज़ में से निकलने वाले गैसेस, जो स्मोक निकलते रहते हैं, तो ये गैसेस, ये स्मोक, ये सब हवा में मिक्स होते हैं और हवा को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। इवन क्या कहते हैं, आज के टाइम में पता है पेट्रोल या पेट्रोलियम से बनी हुई चीज़ों का यूज़ बहुत बढ़ चुका है, पेट्रोल का यूज़ बहुत बढ़ चुका है। तो ऐसे पेट्रोल से, डीजल से चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं सिटी में, सोचो, इमेजिन तो करो कितनी गाड़ियां चलती हैं हमारी सिटी में ही, कितनी गाड़ियां चलती हैं, हर एक के घर में एक एक दो दो गाड़ियां होगी, है ना, ऑलमोस्ट। और पूरे जो है वो सिटी में जितने भी लाखों लोग रहते हैं, सबके पास अगर एक एक दो दो गाड़ियां हो, तो भी लाखों करोड़ों गाड़ियां एक सिटी में चलती हैं। ये सभी गाड़ियां जो ये पेट्रोल से चल रही हैं, डीजल से चल रही हैं, बराबर, तो इनकी वजह से क्या होता है, तो उन गाड़ियों में से कंटिन्यूसली धुआं तो निकलता रहता है ना, बराबर ना। हम जितनी गाड़ी चलाते हैं तो उतना धुआं तो निकलता ही है ना, भले ना दिखाई दे लेकिन निकलता ज़रूर है। और ये जो स्मोक निकलता है ना गाड़ियों में से निकलने वाला, ये स्मोक जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजोपायरिन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स हमारी गाड़ियों के धुएं में होते हैं। और इसकी वजह से आज हमारे एयर में, आसपास की हवा में, इन केमिकल्स का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसे ही तो एयर पॉल्यूशन कहते हैं ना। दूसरा, एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है पता है? ट्रीज़ कटिंग, पेड़ों को काटना, डीफॉरेस्टेशन जिसे कहते हैं, डीफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा काट देना, ठीक है। तो इनकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन बढ़ता है, क्यों पता है? क्योंकि जो ये पेड़ है ना, जो ट्रीज़ होते हैं, वो ट्रीज़ आसपास के पॉल्यूशन को, जो भी हवा में जो भी ख़राब चीज़ें हो ना, तो उन्हें वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये पेड़ों की स्पेशलिटी है, आसपास जो भी ख़राब चीज़ें हो, पेड़ उन्हें क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने में खींच लेते हैं, और जिससे आसपास की सभी चीज़ें प्योर रहती है हमेशा, है ना। लेकिन आज के टाइम में डीफॉरेस्टेशन चल रहा है, पेड़ों को, जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा काटा जा रहा है। तो जितने कम पेड़ होंगे तो उतना हवा में पॉल्यूशन कम नहीं होगा, हवा में पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा फिर, क्योंकि उन पॉल्यूशन को रोकने के लिए ही तो पेड़ काम करते हैं। पेड़ों को ही काट दिया जाएगा तो पॉल्यूशन रुकेगा कैसे फिर, सही बात के नहीं, बराबर। इवन कि अगर ये पेड़ कम हो जाए ना, तो एटमॉस्फेयर में CO2 का, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है पेड़ों के काटने से, क्योंकि पेड़ वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, सही बात ना। और अगर ये पेड़ ही ना हो, सब ट्रीज़ ही ना होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाता है, और जिनसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है ना, गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम भी इनकी वजह से ही, एयर पॉल्यूशन की वजह से क्रिएट होती है। और इनसे
ये ऐसे एयर पॉल्यूशन की वजह से हमें भी तो नुकसान होता है ना। आसपास की हवा अगर इतनी इतनी ख़राब हो हमेशा, जिसमें डस्ट है, केमिकल्स हैं या गलत गैसेस भरे हुए हैं, कभी जो गाड़ियों में से निकलने वाले धुएँ होते हैं, ये पूरी ख़राब हवा अगर हमारे अंदर जाए तो उनसे कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। कि जैसे कि उनसे जो है वो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है उनसे, बरोबर, या फिर नॉर्मल भी जो है वो एयर की जो प्रॉब्लम है, ये एयर के डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर जाते हैं तो उनसे जो है वो कभी कफ हो जाता है, कभी स्नीजिंग, मतलब कि जो है सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, ये प्रॉब्लम्स होती है ना, बरोबर ना। अस्थमा जैसी बीमारियाँ तो वो भी तो इस एयर पॉल्यूशन की वजह से बढ़ती है कि नहीं, है ना, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। और इनकी वजह से कितने सारे बर्ड्स को भी नुकसान पहुँचता है, बर्ड्स को, एनिमल्स को। जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनके अगर शरीर में ऐसी केमिकल वाली हवा जाती है, वो भी तो ब्रीथिंग करते हैं ना, तो उनके अंदर जब ऐसी हवाएं जाती हैं ना, केमिकल्स उनके शरीर में जाते हैं, तो वो बेचारे तो वहीं पर ही मर जाते हैं, उनकी तो वहीं पर ही डेथ हो जाती है फिर, बरोबर। और जैसे मैंने पहले बताया कि यही गैसेस अगर बारिश के साथ मिक्स हो जाते हैं ना तो वो एसिड रेन क्रिएट करते हैं, पहले भी बताया था ना, ये सब खराब गैसेस हवा में बारिश के साथ मिक्स हो जाते हैं और फिर एसिड रेन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो देखो ये एयर पॉल्यूशन भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, हमें, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को, तो इन्हें रोकने के लिए भी हमें कंटिन्यूसली वर्क ज़रूर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए उनके लिए भी हमें काम। और उनके लिए क्या काम करना चाहिए, तो सबसे पहले तो जैसे हमने पहले भी बताया, हर एक के लिए, हर एक को रोकने के लिए यही कि सबसे पहले हमारे अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारे अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि हाँ हम लोग जो है वो इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और कुछ ना करें ना तो घर के बाहर एक छोटा सा पेड़ लगाएंगे कि जिससे आसपास की हवा काफ़ी हद तक साफ रहेगी उस पेड़ की वजह से। इनके अलावा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो लोग जो है वो ऐसे पर्टिकुलर फिल्टर का यूज़ करें, बराबर। आप लोगों ने देखे होंगे अब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़, काफ़ी सारी ऐसी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके छत पर वो जो है वो एक तरह का फ़िल्टर लगा हुआ होता है, हाँ फिल्टर कहते हैं उसे। ये फ़िल्टर क्या काम करता है, तो एयर को फिल्टर करके फिर जो है वो क्या कह सकते हैं, ये स्मोक को फ़िल्टर करके फिर उसे एयर में एग्ज़िट करता है, बराबर। मतलब वो हवा वहीं पर ही फ़िल्टर हो जाती है कि जिससे ख़राब चीज़ें बाहर एटमॉस्फेयर में मिक्स ना हो। हर छोटी छोटी प्लेसेस पर जो है, या हर एक प्लेस पर, हर एक गांव शहर में इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम होने चाहिए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए, कि लोगों को इस इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस पता चले, बराबर। जो लोग अगर कोई पर्टिकुलर रूल्स फॉलो ना करते हो तो उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए फिर। जैसे जितना हो सके ना, अब गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल बंद करके उनकी जगह सीएनजी का गाड़ियां जो है वो तैयार कर रही हैं। अब फोर व्हीलर तो बन चुके हैं, पता है, जो कार वगैरह बनती है पहले पेट्रोल डीजल से चलती थी, अब सीएनजी से चलती है। सीएनजी से चलने से फ़ायदा ये है कि उनसे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता, बरोबर ना। तो ऐसे सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां बनाते हैं, या इनके अलावा हर एक गाड़ियों के लिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट पीयूसी रूल बनाते हैं। पीयूसी, आपके घर पे भी अगर कोई गाड़ी होगी ना तो उसका पीयूसी सर्टिफिकेट होगा, जो हर 6 महीने में आपको रिन्यू करवाना होता है कंपलसरी। पीयूसी किसे कहते हैं, पीयूसी कहते हैं पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, तो वो पीयूसी कहलाता है। हर एक गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट बनाना चाहिए कि जिसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी सेफ है और आपकी गाड़ी पॉल्यूशन कर रही नहीं है। कोई कोई गाड़ियाँ नहीं होती टू व्हीलर या फोर व्हीलर के, जिसके जो है वो इंजन में से बहुत धुएं निकलते हैं, है ना, जिसके साइलेंसर में से बहुत धुएं निकलते हैं। अगर पुलिस ऐसी गाड़ी को पकड़े ना तो उन्हें जेल में भी बंद कर सकते हैं कि भाई तुम्हारी गाड़ी की वजह से पॉल्यूशन बहुत फैल रहा है। इसकी वजह से तो हर एक जगह पर जो पुलिस ऑफिसर्स पकड़ते हैं ना, तो आपसे सबसे पहले पीयूसी भी मांगते हैं। पीयूसी मतलब पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका मतलब ये कि भाई आपकी गाड़ी सेफ है और आपकी गाड़ी में से पॉल्यूशन हो रहा नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट मिलता है, जो हर एक के पास कंपलसरी होना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी ये स्ट्रिक्ट रूल्स बना देने चाहिए
कि जिससे हर एक पर्सन जो है वो अपनी गाड़ी की केयर करे, ठीक है ना। तो ये एयर पॉल्यूशन रुकेगा कि नहीं, समझा रहे बात है। आप लोग भी ध्यान दिया करो कि कहीं आप लोग ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो कि जिससे एयर पॉल्यूशन होता हो या वाटर पॉल्यूशन होता हो, कि अगर ऐसा कोई वर्क आपके थ्रू होता है तो उस वर्क को ऑन द स्पॉट बंद कर देना चाहिए, कि ऐसा काम हमारे से ना हो, हम कभी भी ऐसा पॉल्यूशन ना फैलाएं, बरोबर। तो आज जैसे ये दो पॉल्यूशन हमने देखे ना, एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन, इनके बाद के जो पॉल्यूशन है जैसे लैंड पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन, तो उनके बारे में अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।